नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता पर उम्मीदें पूरे देश की लगी हुई थी। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने आज शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता पर उम्मीदें पूरे देश की लगी हुई थी। इसके साथ ही चंद्रयान 3 में अपनी भूमिका निभाने वाली इस सेक्टर की भारतीय के लिए भी इस मिशन की सफलता मील का पत्थर साबित हुई है। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहाँ करेंगे चंदा मामा, बस एक टूर के है। देश की तमाम बड़ी कंपनियों ने चंद्रयान 3 के लॉन्च में अपनी अहम भूमिका निभाई है। रॉकेट इंजन और थ्रस्टर से लेकर अन्य कंपोनेंट्स का निर्माण इन कंपनियों द्वारा किया गया है। उनमें गोदरेज एरोस्पेस, टाटा स्टील, एलएनटी, बीएचईएल समेत अन्य कंपनियां शामिल है। स्पेस सेक्टर सर्विसेज के मामले में भारत फिलहाल 5वें पायदान पर है और चंद्रयान 3 के सफलता का असर इस रैंकिंग पर भी पड़ सकता है। जैसे पूरे देश में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, ठीक वैसा ही नजारा इस मून मिशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम और क्रिटिकल कंपोनेंट का निर्माण करने वाली कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्चिंग को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चंद्रयान के साथ जो पेलोड्स गए हैं उनमें रंभा, चास्टे, इल्सा और हरे चांद के हम राज खोलेंगे। कैसे काम करेगा चांद पर ये पेलोड्स, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 के लैंडर ने शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड किया, जिसके साथ चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। लैंडिंग होने के साथ ही विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड काम करना शुरू करेंगे। इनमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर यानी रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। इसके अलावा चास्टे चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की भी जांच करेगा। वही इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। इसके साथ लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत के साथ अब सारी दुनिया चंद्रयान 3 के जरिए आगे रिसर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है और भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर बैठे भारतीयों ने भी मनाया। इसरो ने 23 अगस्त की तारीख भी लैंडिंग के लिए बहुत ही सोच समझ कर तय की थी। अब तारीख की अहम वजह क्या है, देखते हैं मिशन मून रिपोर्ट अंदर की बात में। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई और इसके लिए 23 अगस्त की तारीख भी बेहद सोच समझकर चुनी गई है। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहाँ रात हो तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी।
वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिण ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। वैज्ञानिक हार्वर्ड हु के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम करने में मदद करने के लिए रोवर होंगे। इसी दशक में हम कुछ लंबे काल खंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। इसके लिए आने वाले समय में काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। सरकारी अधिकारी के फोन नहीं उठाने की शिकायत पर इसी महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त रुख अपनाया था। ठीक उसी तरीके गुजरात में सरकारी अधिकारियों को चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने पड़ेंगे। अगर वे व्यस्त है तो फ्री होते ही सामने से कॉल बैक करना पड़ेगा। क्या गुजरात सरकार ने लागू किया नया नियम, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने वाले अफसरों पर अब गुजरात में भी सख्ती होगी। गुजरात सरकार ने अफसरों को सर्कुलर जारी करके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नंबर सेव करने का निर्देश दिया। अगर किसी स्थिति में अधिकारी फोन नहीं उठा पाते तो वे फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि अफसर और दूसरे अधिकारी किसी मीटिंग में व्यस्त है तो ऐसे में उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर अगर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का फोन आता है तो संबंधित अधिकारी का स्टाफ इसकी जानकारी एक रजिस्टर में नोट करेगा। अधिकारी की मीटिंग से फ्री होने पर उस जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करना होगा। जो भी अधिकारी फोन उठाएगा यहाँ ब्यौरा उसी को दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाना पड़ेगा। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी एक सर्कुलर पुलिस प्रशासन के साथ बोर्ड और नगर निगमों में भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात सरकार भी अफसरों पर सख्त हो गई है। गुजरात के राज्यपाल के आदेश से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को फोन उठाना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। वेलकम बैक। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की। कार्यक्रम में गहलोत ने 2030 तक राजस्थान को देश में नंबर वन राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात कही। यहां उन्होंने अपना पुराना किस्सा भी सुनाया। क्या था वो दिलचस्प किस्सा, देखते रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने यह बात जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में कही। यहां सीएम ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की। कार्यक्रम में गहलोत ने खुद से जुड़ा पुराना किस्सा भी सुनाया। गहलोत ने आगे बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहते थे। वह बोले कि युवाओं को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, जिंदगी में सब कुछ फिक्स है, किसको क्या बनना है वह भी लिखा हुआ है, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसीलिए डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गया। मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, कोशिश में कमी नहीं रखी, लेकिन फेल हो गया। डॉक्टरी छूट गई और मैं राजनीति में आ गया और आज मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। सीएम गहलोत बोले कि केंद्र ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है। अगर वो जिद है नेगेटिव सोचने में तो मैं जिद्दी हूँ काम करके दिखाने में। सीएम ने आगे कहा, हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सरकार देश के सभी जांच एजेंसियों को एक ही छत के नीचे लाने की योजना बना रहे हैं, तो क्या अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार में एक छत के नीचे काम करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सरकार देश की सभी जाँच एजेंसियों को एक ही छत के नीचे लाने की योजना बना रही है। सूत्रों का दावा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समेत जांच एजेंसियों के लिए मुख्य जांच अधिकारी सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सीआईए की नियुक्ति उसी तरह की जाएगी जैसे देश के सभी सुरक्षा बलों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। एक राष्ट्रीय जांच सलाहकार के साथ साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों का दावा है कि शुरुआत में प्रवर्तमान निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक छत के नीचे लाया जाएगा। सीआईओ का नया पद भारत सरकार में सचिव स्तर का होगा। वर्तमान में ईडी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है, जबकि सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती है, लेकिन सीआईओ की नियुक्ति के बाद दोनों एजेंसियां सीधी पीएमओ के अधीन आ जाएगी। फिलहाल ईडी मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों पर काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और
FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्यवाही करती है। इधर एक अन्य केंद्रीय एजेंसी CBI भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रिय रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।